बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च करने की बेहतरीन टेक्निक्स कौन सी है और कौन से टूल्स बेस्ट रहेंगे आपको कीवर्ड रिसर्च करने में मदद देने के लिए। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पर आपका अपना चैनल है या फिर आप मार्केटिंग से अटैच है यानी कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत रहती है। दोस्तों, इस ज़रूरत को एक बेहतरीन तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं और अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल से सजेशन लेनी है यानी कि गूगल आपको कौन से कीवर्ड्स ऑफर कर रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स गूगल की साइट्स पर ऑलरेडी रैंक्ड कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने कीवर्ड्स को सर्च कर लेना है कि मैंने इस कीवर्ड्स पर काम करना है। तो मैं आज की वीडियो में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपको कीवर्ड्स बनाकर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल सर्च इंजन को यूज़ करते हुए इधर अपना कीवर्ड्स लिखना है, जो भी आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड लिखूंगा तो ये गूगल मुझे खुद ब खुद ऑफर करेगा कि ये वाले कीवर्ड्स गूगल की रैंकिंग में हैं। दोस्तों, अगर आपका कीवर्ड्स की सजेशन आपको नहीं आ रही तो इसमें आपका इंटरनेट की स्पीड का मसला है, तो आप अपने इंटरनेट की स्पीड को लाजमी रिकवर करें कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसे जा रही है। दोस्तों, अगर स्पीड से भी आपका मसला नहीं हल हो रहा तो आपने सिंपल अपना कीवर्ड लिखकर इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सजेशन शो होनी शुरू हो जाएगी। पहली है ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स, ट्रस्टेड ऑनलाइन अर्निंग साइट्स, ऑनलाइन अर्निंग ऐप, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स फॉर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन अर्निंग पाकिस्तान, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उनको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, कॉपी करने का तरीका क्या है कि आप अपने कीवर्ड को ऊपर जाएं, सबसे पहले एंड वाला कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किया है, इसको कंट्रोल सी करें, कंट्रोल सी करके एक टेक्स्ट फाइल में आप सेव करते रहें। इस तरह दोस्तों, तो आपके पास एक कीवर्ड्स की लिस्ट शुरू हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद अगला तरीका क्या है? दोस्तों, अगला तरीका ये है कि आपने अपना कीवर्ड दोबारा एंटर करना है। जो भी आपका कीवर्ड है, जितनी आपने इधर से कीवर्ड सेलेक्ट कर ली हैं वो ठीक है। अपना कीवर्ड एंटर करने के बाद आपने दोस्तों सबसे नीचे जाना है, पीपल आल्सो आस्क, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कीवर्ड्स हैं, ये टाइटल्स हैं आपकी हेडिंग की, आपके ब्लॉग की हेडिंग की, आपके यूट्यूब की वीडियोज़ की हेडिंग की, ये टाइटल्स हैं, इन पर आपने काम करना है। इनके जवाब और इनके जो ये क्वेश्चन है इनको अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। दोस्तों, ये भी आपको बेहतरीन कीवर्ड्स हैं और गूगल की रैंकिंग के पहले पेज पर जो भी आपके पास शो हो रहा है तो दोस्तों वो आपके तमाम के तमाम टाइटल्स आपके कीवर्ड्स हैं। नीचे आएंगे, नीचे आपको और ऑप्शन मिलेगा, ये देखें, पीपल आल्सो सर्च फॉर दीज ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको उनको आप कॉपी कर सकते हैं। सिंपल माउस से सेलेक्ट करें और दोस्तों उसको कॉपी करें कंट्रोल सी से। जैसे ही आप कॉपी कर लेंगे ये आपकी एक मुकम्मल लिस्ट बन जाएगी और उसको आप अपनी एक टेक्स्ट फाइल में सेव करते रहें। ये आपके कीवर्ड्स बन रहे हैं गूगल से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो उनमें सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं गूगल का अपना है, गूगल कीवर्ड्स प्लानर, यानी कि गूगल कीवर्ड्स प्लानर पर भी आप अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट फॉर एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स। तो मैं एक न्यू कीवर्ड सर्च करूंगा, मैं अपना ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड इधर लिखूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड्स और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। अगर आपको स्पेसिफिक साइट को अटैच करना चाहते हैं साथ तो आप उधर लिंक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, एक से ज़्यादा कीवर्ड्स भी आप लिख सकते हैं इस प्लानर पर। गेट रिजल्ट, जैसे ही आप गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास CPC के साथ और इसके अलावा एवरेज कीवर्ड्स की जो सर्चेज हैं मंथली वो भी शो हो रही हैं आपको। 3 मंथ में क्या चेंजेस आई हैं, वो 0% चेंजेस शो हो रही है और उसका कंपटीशन कैसा है, हाई है, लो है, मीडियम है। ये जितने भी दोस्तों कीवर्ड्स हैं आप ये कीवर्ड्स को अपनी पेज में यूज़ कर सकते हैं, जो आपका ब्लॉग का पेज है अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर यूट्यूबर हैं तो अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल्स में, अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप ऊपर क्लिक करेंगे जो एरो लगा हुआ है
इस एरो से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये गूगल एड्स, जब आप गूगल पर लिखेंगे गूगल एड्स तो आपको दो तीन किस्म के ऑप्शन नज़र आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल एड्स, जैसे ही आप गूगल एड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कीवर्ड प्लानर का नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो अगला मरहला हमारे पास है keywords.io, ये भी एक वेबसाइट है जो आपको मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स देती है ऑनलाइन अर्निंग। तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट शो होगी जो कि कीवर्ड्स की होगी दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और अपने कीवर्ड्स आपको जनरेट करने के फौरन बाद अपना रिसर्च पेज आपको दे देगी जो आपका रिजल्ट पेज होगा दोस्तों। ये देखें आप कीवर्ड्स सर्च वाले में इतना है, ट्रेंड कैसा है, एवरेज CPC USP में कितना है। दोस्तों सब्सक्राइब टू कीवर्ड टूल प्रो, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मजीद वॉल्यूम लेना है तो आपको 4-5 तो फ्री देगा, लेकिन ये है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके पास वो आ चुके हैं, आप इस पर अपना काम कर सकते हैं। सर्च वाली में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने जानना है तो आप उसको पे करना पड़ेगा। ये तो तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं ये आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हैं keyword.io। ये भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपको कीवर्ड्स जनरेट करके देता है, बंडल्स ऑफ कीवर्ड्स जनरेट करके देता है और बिल्कुल फ्री है। और इसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है कि आपने कौन से इलाके, कौन सी कंट्री के कीवर्ड्स आपको चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स से चाहिए तो आप यूनाइटेड स्टेट्स से सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान से चाहिए, इंडिया से चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए आप उसका नेम एंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान अगर हम एंटर करेंगे तो सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स पाकिस्तान में सर्च हो रहे हैं या पाकिस्तान की ब्लॉग्स में या पाकिस्तान की साइट्स में जो कीवर्ड्स हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको ये बताकर दे देगा। आपने अगर अकाउंट बनाना है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप नो थैंक्स पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। नीचे जाएंगे तो आपका कीवर्ड जनरेट हो चुके हैं, इनको आप ले सकते हैं दोस्तों। कि आप लुकिंग लोडिंग 0 कीवर्ड्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग अभी लोड हो रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे ही ये आपका मरहला पूरा होगा तो वो आपको जनरेट करके दोस्तों दे देगा कीवर्ड्स, जितने भी आपके पास आए होंगे वो कीवर्ड जनरेट होकर आपके पास आ जाएंगे दोस्तों। आप इसमें USA भी कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, UK भी कर सकते हैं, जितने भी कंट्रीज इसमें अवेलेबल हैं आप उस तमाम से वो कीवर्ड्स को जनरेट करके दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो हमारी वेबसाइट है वो है WordStream by LocalIQ। तो आप इधर अपना वेबसाइट या अपना कीवर्ड लिखें तो ये भी आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च करके देगा, जिन कीवर्ड्स को आप अपने ब्लॉग्स के आर्टिकल्स में और यूट्यूब की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये तमाम कीवर्ड्स आपकी सर्च रैंकिंग को बेहतर करेंगे और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग्स की रैंकिंग भी आगे हो तो वो भी आपको बेहतरीन मौका फराहम करेगी कि आप उस पर काम कर सकते हैं। ये हम फ्री टूल्स जनरेट करवाएंगे इससे, तो इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। ये देखें दोस्तों, मेक मनी ऑनलाइन, टू मेक मनी ऑनलाइन, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये आपको, ये देखें इसकी बिड कितनी है, लो रेंज कितनी है और हाई रेंज कितनी है और कंपटीशन कैसा है, गूगल एड्स के हवाले से ये बता रहे हैं। इतना सर्च वॉल्यूम है, इतना एक क्लिक पर गूगल इसे लेता है, इधर से लेकर इधर तक गूगल की वैल्यू है एक क्लिक की, अगर इन कीवर्ड्स पर एक क्लिक होता है और बदले में आपको गूगल क्या देता है वो उसका तकरीबन हाफ होता है या इसका 25% होता है तकरीबन। ये गूगल एड्स मैनेजर से आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको हम देते रहेंगे, आपने हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है नील पटेल, तो इधर से भी आप ऑनलाइन कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं और अपने ब्लॉग या अपने यूट्यूब की वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कीवर्ड्स की जनरेशन का, इनके कीवर्ड्स तकरीबन गूगल प्लानर के कीवर्ड्स से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनकी डोमेन काफ़ी वसी है। तो दोस्तों जैसे ही ये हमारे कीवर्ड्स जनरेट होंगे तो हमें इसका रिज़ल्ट हमारे सामने होगा। तो हम ये सिर्फ गूगल सर्च इंजन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, अगर हमने बिंग सर्च इंजन जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है अगर उससे हमें कीवर्ड जनरेट करवाने हैं, अगर आपका ब्लॉग या आपकी
जो YouTube का चैनल है उसका स्कोप काफ़ी वसी है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप बींग सर्च इंजन पर जाकर सिंपल अपना कीवर्ड्स लिखेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। ये देखें आपके पास सजेशन आ चुकी हैं, ये बींग सर्च इंजन से हैं, ये भी आप कॉपी कर सकते हैं, इनको आप कॉपी करके अपने कीवर्ड्स की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने एक्सटेंशन कीवर्ड्स की एक्सटेंशन कैसे यूज़ करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकअल्लाहु खैरा व कसीरा।